गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जवेरियन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने वैदिक गणित का एक सूत्र एकाधिकयन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया था। आज हम वैदिक गणित के ही दूसरे सूत्र तावदेनु तावदूनी कृत्य वर्ग चायोजिते इस सूत्र का प्रयोग करते हुए किसी भी संख्या का वर्ग हम निकालेंगे, और साथ ही साथ आप ये अनुभव करेंगे कि पिछले प्राचीन काल में यानी कि वैदिक काल में किस तरीके से लोग, हमारे पूर्वज, किस तरीके से आसानी से बड़े नंबर का वर्ग निकाल लेते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 98, नंबर ले लिया है हमने 98। अब 98 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हम इसको 100 से रिलेट करते हैं। 100 इसका बेस ले लेते हैं। बेस हमने ले लिया इसका 100, तो सबसे पहले ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो हम इसको इस साइड पे लिखते हैं। 98 में से हम 2 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना रह जाता है आपका 96। ठीक। अब दूसरी तरफ क्योंकि हमारा इसमें 100 में कितना कम है? 2 कम है, तो हम 2 का ही स्क्वायर लेते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 4 आएगा, क्योंकि ये 100 बेस पे है तो इसके आखिर में कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 नंबर नहीं है, नंबर तो है 1, 4। तो हम इसको 2 नंबर करने के लिए इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो हैंस हमारा जो स्क्वायर आया है वो क्या आया है? 9604। इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, 991 का अगर हमें निकालना है तो आप देख सकते हैं इसका बेस हम लेंगे 1000। 1000 में कितने कम हैं? 9 कम हैं, तो सबसे पहले हम 999 में से 9 माइनस कर देंगे, तो ये 9 माइनस होने के बाद हमारा आ जाएगा 982। ठीक। और इसके आखिर में इसका जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं वही नंबर का हम इधर स्क्वायर लेंगे, वही नंबर यानी कि 9 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 81। ठीक। हमने 9 का स्क्वायर क्या ले लिया यहाँ पर? 81। अब हमें क्या करना है, 982 क्योंकि इसका बेस 1000 था तो इसके लास्ट में 81 के साथ कम से कम 3 नंबर होना चाहिए, तो हमने इसमें 0 ले लिया, 081, तो हमारा स्क्वायर क्या आ गया? 982081। आपने इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर लिया है वो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, क्योंकि हमने 100 बेस लिया है तो कम से कम आखिर में आपके 2 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 1000 लिया है तो यहाँ पे 3 नंबर होना चाहिए, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। 3 नंबर नहीं है तो 0 हम लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका 982081 ये आपका स्क्वायर आ गया। अगर हमें, मान लीजिए ये तो सारे नंबर जो हैं 100 में माइनस करके हो रहे हैं या 1000 में माइनस करके हो रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जैसे मान लो 112 है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि हम एक नंबर 112, ये देखेंगे कि ये 112 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो इसमें हम 12 को प्लस कर देंगे। 112 में 12 ही प्लस कर दिया, ये आ गया आपका 124। हमने प्लस क्या करा है? 12 प्लस किया है। जब हमने 12 प्लस किया है तो 12 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 144, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 बेस लिया है, तो 100 के यानी कि 2 ज़ीरो हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर काउंट करेंगे, और ये जो एक है हमारा 1 एक्स्ट्रा नंबर जो है वो इस 4 में आके प्लस हो जाएगा, तो 1, 2, 4 और 1, 5 और ये 4, 4।